गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरी स्टोरीज देखना कैसा लगता है, और मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक सजेस्ट भी कीजिए, फिर मैं उन भी टॉपिक्स पे आप लोगों के मजेदार स्टोरी बनाऊंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यारी, बाजी के बच्चे कितनी गंद फैला के रखते हैं। बोलती रहती हूँ गंदगी मत करो, पर सुनते कहीं आजकल के शरारती बच्चे। पर बाजी अच्छी है, इसी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या हो गया गंगू भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? ठीक तो है ना? नहीं बाजी, कल रात से बुखार था, पर हम गरीबों का क्या, बुखार हो नज़ला हो, काम पे तो जाना पड़ता है, पैसों की ज़रूरत होती है ना बाजी, इसलिए हम छुट्टी भी नहीं कर सकते। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, तुम पहले अपनी तबीयत को देखो, जाओ तुम छुट्टी कर लो। अरे बाजी, आप बहुत अच्छी हो, मैं चलती हूँ। अरे सीमा, लगता है आज तू जल्दी काम से फ्री हो गई रे। कहाँ जा रही है? गंगू भाई क्या हो गया, आज तुम जल्दी फ्री हो गई हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे नहीं यार, कल रात से बुखार था, बाजी से छुट्टी लेके घर जा रही हूँ। तू बता, तू इतनी जल्दी कैसे फारिग हो गई? मेरा तो यही रहता है, मैं तो ड्रामे करती रहती हूँ, ड्रामे कर कर के जी रही हूँ। कभी यहाँ की छुट्टी कर लेती, तो कभी इस बाजी की, कभी उस बाजी की। यार ये तो बहुत गलत करती है तू अपने साथ, क्या कर रही है तू? हराम का खा रही है, ऐसे नहीं करते, मेहनत कर खाते, मेहनत कर। देख मुझे बुखार था फिर भी काम पे आ गई, वो तो मुझे भाजी ने देख के छुट्टी दे दी, वरना मैं नहीं करती। अरे इतनी सच्चाई दिखा के क्या फ़ायदा, हमें अपने बच्चों को भी देखना होता है। अमीर लोग ना ऐसे होते हैं, इनसे बहाने बना बना के निकलवाओ। मैं तो यही करती हूँ, अपनी भाजी से कभी पैसे मांग लेती हूँ, कभी उनका महंगा जोड़ा मांग लेती हूँ, लेकिन भाई मेरा तो ऐसे चले। तू बेवकूफ़ है, बेवकूफ़, अपनी भाजी के लिए अच्छी बनी है, सब तुझे चूसते रहते हैं, देखते ना गरीब है इसलिए और दबाते हैं। बाकी तेरी मर्जी, मैं चलती हूँ। अरे मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मुझसे नहीं होता, वो बाजी बहुत अच्छी है मेरी, सब अच्छी होती है, कुछ अपने लिए भी करना पड़ता है। अपने बच्चों का सोच, तेरे बच्चे कितने गंदे कपड़े पहनते हैं। यार ये बात तो सही करी है सीमा, अब मैं भी बाजी को जा जाकर ड्रामे किया करूँगी, उनसे उधार पैसे मांगा करूँगा, फिर उधार वापस भी नहीं दूंगी। बाजी मेरी तनख्वाह भी कितनी कम देती हैं, मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, बाजी पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो, लेकिन मेरी शहावत का फ़ायदा उठाती हैं। अब मैं काम भी दिल लगा के नहीं करूँगी, गंदा गंदा काम करूँगी, जल्दी जल्दी फारिग होकर जाया करूँगी। बच्चे मेरे घर पर इंतजार करते हैं, मुझे एक घर में दो दो घंटे लग जाते हैं, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब मैं बाजी को घर 15 मिनट में निमटा दिया करूँगी, जल्दी जल्दी किया करूँगी, मेरे बच्चे घर पर इंतजार करते हैं, इतनी मेहनत करके मुझे क्या हासिल हो रहा है। आज गंगू बिल्कुल सही काम नहीं करी, नैना को बोलना पड़ेगा। देखो यार, गंगू ने कैसे झाड़ू लगाई है, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वैसी पड़ी है, ऐसे झाड़ू लगती है। आज गंगू ने गार्डन से भी कचरा नहीं उठाया, लगता है इसका दिल ही नहीं है काम करने में, बहुत हो गया, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, मेरी शहावत का फायदा उठाती रहती है। आज गंगू ने किचन की झाड़ू भी नहीं लगाई, सारा कचरा फर्श पे पड़ा है, कहाँ ये गंगू नजर क्यों नहीं आ रही है? गंगू कहाँ हो तुम? अरे नैना बाजी यहीं हूँ, बाहर तो आओ। क्या हो गया बाजी, आपसे मैं कह कह के थक गई हूँ, मुझे अगले हफ्ते गांव जाना है, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं कम सैलरी में काम नहीं करूंगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, मैंने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई। एक तो गंगू तुम काम सही नहीं कर रही हो, पैसे पे तनख्वाह बढ़ाने का बोल रही हो, मैं एक हफ्ते से नोट कर रही हूँ, तुम काम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो, झाड़ू पोछा सब पे डंडी मार रही हो, कल तुमने कपड़े सुखाए थे उसको उतारा भी नहीं, अभी तक छत पे पड़े हैं। काम सही से करना है तो करो, वरना मैं तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ, मैं कहीं और मासी रख लूंगी। अरे बाजी कैसी बातें कर रही हो? बाजी तुम्हें थोड़े से पैसे बढ़ाने को क्या बोल दिया, तुम तो निकालने की बातें कर रही हो, हमें भी बच्चों को देखना होता है, हमारा इन पैसों में गुजारा नहीं होता है। बाजी हम सबको कहते हैं थोड़े पैसे बढ़ा दो, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पर तुम बड़े लोग यही करते हो, निकालने की धमकी दे देते हो बाजी। अरे छोड़ो ना नैना, अगर गंगू बोल रही है थोड़े पैसे बढ़ा दो। बाकी महंगाई तो काफी बढ़ गई है, उससे गंगू का गुजारा ना होता कम पैसों में। आप देख रहे हो ना ये काम कैसा कर रही है, चलो कल से सही कर देगी। अरे सीमा क्या हो गया, तेरा मुंह उतरा हुआ है? उस दिन तो मुझे देख के बोल रही थी कि मेरा मुंह उतरा है, तुझे क्या हुआ? तो खैरियत तो है ना, अब गंगू तुझे क्या बताऊं, क्यों क्या हुआ, कोई परेशानी है तो बता दे, क्या पता मैं ही तेरे कोई काम आ जाऊं। तेरी ट्रिक मेरे ऊपर तो बड़ा काम करी, मैंने बाजी से पैसे बढ़वा लिए अपने। अरे तुझे पता है बाजी ने मुझे काम से निकाल दिया, बाजी कहने लगी कि मैं काम सही नहीं करती और हर वक्त मांगती रहती हूँ और काम में डंडी मारती हूँ। अरे सीमा तेरी बातों में आके मैंने बाजी का काम गंदा किया, कहीं बाजी मुझे से काम से ना निकाल दे रहे। अच्छा हुआ तूने सही टाइम पे मेरी आँखें खोल दिया, मैं कल ही जाके बाजी से माफी मांगूंगी, बाजी बहुत अच्छी है, वो मेरी हर बात मानती थी। नहीं तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, गंगू बिल्कुल सही काम नहीं कर रही, मैं देखता हूँ ना डस्टिंग करती है ना कुछ, तुम निकाल दो उसको। तो आपकी वजह से मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ाई, आपकी बातों में आके मैं देख रही हूँ बहुत चलाक होती जा रही है, मतलब वो सीधी साधी सी थी, उसमें कोई चलाकी नहीं थी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं पैसे देती हूँ फ्री में काम करवाती हूँ क्या, मेरी कोई बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करती, आज आने दे गंगू को आप, अब गंगू से मैं ही निपटूंगी,
मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। हाँ बाजी का काम इतना अच्छा करूंगी, बाजी मुझसे खुश हो जाएंगे, बाजी को सॉरी भी बोल दूंगी कि बाजी मैंने अपने दोस्त की बातों में आके आपका काम गंदा किया। अरे अच्छा हुआ बाजी तुम मुझे यही मिल गई, तुमको सॉरी कहना था बाजी, तुम मुझे सॉरी कहने आई हो, मैं तुम्हें काम से फारिग करने आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि तुम काम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो, अपना हिसाब करो चलती बनो। मंगू मुझे रोज रोज की चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं, ये बात तुम भी जानती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम अपनी मर्जी से काम करती थी, लेकिन अब तुम काफी डंडियां मारने लग गई हो। मेरा पैसा कोई हराम का नहीं है, तुम्हें काम करने को बोला तुम इतना बड़ा मुंह बना के बैठ जाती, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। अरे बाजी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बाजी मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बहुत सिखाया, मैं उसकी बातों में आ गई, अब मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बाजी मुझे माफ कर दो। गंगू मैंने तुम्हें माफ किया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब कल से तुम अपने टाइम पे आओ, सही से काम करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अरे बाजी तू बहुत अच्छे दिल की है, मैं तुझे बहुत सारी दुआएं देती हूँ, तू हमेशा खुश रहे, ऊपर वाले तुझे बहुत खुश रखे। बाजी बाजी मैं काम वैसे ही करूंगी जैसे पहले किया करती थी, मैं तुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं भैया से भी माफी मांग लूंगी, भैया बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने मेरे पैसे बढ़ाए, सारी गलती मेरी थी बाजी, जब मैंने अपने दोस्तों की बातों में आके तेरे साथ गलत किया, तुझसे बहस भी की, तेरा काम भी गंदा किया, मैं सब कुछ नहीं करूंगी बाजी। आज से गंगू बाई दिल लगा के काम करेगी और सीमा की बातों में अब नहीं आएगी, वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, हर एक फैन कमीना होता है, बोले तो हर एक फैन कमीना होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर काम रॉयल्टी के साथ करना चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, घर का काम हो या ऑफिस का काम, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको पूरा काम करके दो, आप खुद भी हलाल रोजी खाओ और अपने बच्चों को भी हलाल रोजी से खाना खिलाओ। अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो अपना 100% दो, कभी धोखा मत दो, धोखा देने का अंजाम तो आपने इस कहानी में देख ही लिया है। इस कहानी में गंगू बाई को तो अक्ल आ गई, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं हमें कभी अक्ल नहीं आती, हम धोखा खा के भी नहीं सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।